हमारी पार्टी ने हमें टिकट दी है, अब और जिम्मेवारी बढ़ गई है कि भैया पार्टी ने चूंकि भरोसा जतावे तो पार्टी ने जीत हम इस क्षेत्र से जीत के जहाँ जीत। हर आदमी यहाँ टिकट मांगने को अधिकार है, जब जैसे को नहीं मिला तो हमें भी ना मिलती तो हमारा मन खराब हो दो, लेकिन मन खराब रात है बातचीत करीजिए है मिलो जे है तुम्हारे वरिष्ठ जन बात करें हम तो करें ही करें, तो भी सब लोग एक होकर पार्टियाँ जिताबे के लाने काम करें कि मैं प्रथा ख़त्म कर दूंगा। मैं उदाहरण पेश करूंगा कि लोग जीतने के बाद नहीं आते, हम हारने के बाद आए हैं। और भैया सचिन भैया पता करना, हारने के दूसरे दिन में क्षेत्र में था। नेता क्या होता है, नेता के काम क्या होते, यहाँ पता ही नहीं होने दिया उनने कि नेता, उनने इतने में वोट लेते थे कि हम हुजूर हैं, हम राजा हैं यहाँ के और तुम यहाँ की गुलाम हो, हमारे लिए तुम वोट करोगे, कि अबे तक विधायक जी अकेले ही नहीं निकलते, चुनाव के एक महीना दो महीना पहले निकलते, अब मैं परिवार के निकल रहे हैं। ये जन कहीं ना कहीं डर है, उन्हें लग रहा हो कि भैया अब हम बस से काम नहीं चल रहे यहाँ, अब रानी साहब हम भी संगे लेके चलो तो गारंटी रहे। भैया और राम राम नमस्कार, हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी, हम इस समय हैं राजनगर में और इतने भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को ऐलान कर दो है विधानसभा चुनाव के लाने, अरविंद पटेरिया हमारे संगे हैं। और अरविंद भाई बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सचिन भैया। जा बताओ, बड़ी दिना से लटक रही थी कि भैया अब एक कवे, अब संतुष्टि मिली कि अब और टेंशन बढ़ी? अब संतुष्टि, चूँकि देखो जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है तो अपना लगा था कि भैया टिकट मिले, चूँकि काम करता है जो भी हमारी पार्टी ने हमें टिकट दी है, अब और जिम्मेवारी बढ़ गई है कि भैया पार्टी ने चूँकि भरोसा जतावे तो पार्टी ने जीत हम इस क्षेत्र से जीत के जहाँ जिसे हमारी पार्टी के लाने प्लस हो। कही जा रही थी कि बड़ी चुनौती भी हो गई है, बड़ो एकदम कसमकस है, फिर सूची में आधे सूत्र अपने तरीके से चला रहे थे कि मिल रही आधे कट गई, तो इसके बाद तो सुकून तो जी सब चीज़ें चलत रहती हैं, चूँकि टिकट और जो भाजपा है इनमें कछु मतलब निर्णय को कोई पहले से पता नहीं रहता। हमें जब पिछली बार मिली थी तो ऐसे ही है तो कि हमारा दूर दूर तक नाम नहीं है तो टिकट मिली थी, जैसे इस बार तो चूँकि पहले चुनाव लड़ चुके थे हम कम अंतराल से हारे थे, संभावनाएँ हैं थी, लेकिन फिर भी पार्टी है जो तय करती है, अपन तो वो निर्णय मानने वाले लोग हैं, पार्टी ने तय कर दो है। कसमकस तो आती और टेंशन भी रहता है चूँकि पार्टी ने जिम्मेवारी दी है तुम चुनाव लड़े। लेकिन पिछली बार आप बहुत कम वोटों से हारे थे, उसके बाद लगातार 5 साल सक्रिय रहे, तो ई बेर उम्मीद है कि जो पिछली बार की कसक रह गई थी वह पूरी? हमारी कसक तो ठीक है, हर कार्यकर्ता की जनता जनार्दन की कसक थी वो आप कसक, चूँकि आदमी हम केवल चुनाव भैया ई में हारे थे कि जो हम चूँकि लास्ट में सबसे लास्ट हमारी टिकट हुई थी और यहाँ पे लोगों ने इस तरीके से प्रचारित कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी चौथे पे है, बहुत कमज़ोर प्रत्याशी है, चूँकि हमने जो मेहनत की थी, मैं चूँकि युवा मोर्चा में काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया, लोगों के साथ रह कर के काम किया, हमेशा चूँकि सामान्य परिवार से आए हैं, छोटे परिवार से नीचे से काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं कहता था कि मेरे पास पूंजी है, और जब परिणाम खुले तो हर व्यक्ति के मन में एक पछतावा था कि हमसे गलती हो गई, 600 वोट से हारा व्यक्ति, तो लोग अब देखो मेरे भर में नहीं हर जनता जनार्दन के मन में है कि हम पहचान नहीं पाए और हमसे गलती हुई है, अब जनता देख आने वाले चुनाव में बताएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो प्रमुख दावेदार बचे थे, आपको टिकट मिल गई, दूसरे को रुख कैसो है, अभी तक कुछ चर्चा उनसे बातचीत या कुछ नहीं? चूँकि देखो जो राजनीतिक दल में जो काम करा थे तो हर आदमी यहाँ टिकट मांगने को अधिकार है, जब जैसे को नहीं मिला तो हमें भी ना मिलती तो हमारा मन खराब हो दो, लेकिन मन खराब रात है बातचीत करीजिए है मिलो जे है तुम्हारे वरिष्ठ जन बात करें हम तो करें ही करें, तो भी सब लोग एक होकर पार्टियाँ जिताबे के लाने काम करें, कछु दिन को रात है सब सही हो जाए।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो वर्तमान विधायक हैं, केवबेर से विधायक हैं, अब कांग्रेस के दूसरे दावेदार भी उतनी सक्रियता से हैं और जी तरीके से जनाक्रोश यात्रा में भी एकदम गला गली की नौबत आई। चला राजभवन को पार्टी को मैटर है, उन लोगों ने एक जने पहले से विधायक हैं, दूसरे जने मांगने को प्रयास कर रहे हैं, ने मांगी है, अब जो भी उनकी पार्टी के बीच में भाव हो, भाई कौन सो कहा है की गलती है कहा है, तो उनकी पार्टी को वैसा है जो है कि भाई हाँ दो लोग हैं वो लोग मांग रहे हैं, एक पर वर्तमान विधायक हैं, एक छतरपुर से पूर्व विधायक रहे वो हैं, उनके बेटे हैं। लेकिन आप पिछले 5 साल के अपने अनुभव, एक संघर्ष के मान लो के पहले के 5 साल चुनाव हारवे के बाद के अपने अनुभव पे का आप उम्मीद जता रहे हैं कि कौन से ऐसे बड़ी चीज़ें हैं जिसके आधार पे स्थानीय जो जनता है वो आपको आप सकते हैं? क्योंकि भैया हम जब भी क्षेत्र में आए 18 में चुनाव लड़े तो हमें एक ही चीज़ देखने मिली कि भी लोग हम लोग ना जब प्रचार में जाओ करते इतने तक कि सांसद जी भी जब गए हैं जब बी डी भाई जब चुनाव लड़े थे ऐसे तो बेचारी चूँकि जो हमारे वृद्ध जन होते हैं उन्हें डर निरात को बे मुँह पे कह दे सुबह कहो जैसे ही हम उन्हें पहुँचे आ गए हो तुम चुनाव आ गए हो गए नहीं फिर नहीं दिखाने तुम्हें 5 साल वे कौन चिंती आए कक्कू आए का लेने देने वो उनकी पीड़ा थी। हम समझते थे कि यहाँ पर जीतने के बाद आदमी मिलने नहीं आता है, इनके दुख दर्द पूछने नहीं आता है, इनके विकास की चिंता नहीं करता है, इनकी चिंता नहीं करता है, तो मन में उस टाइम पे भले ही चुनाव लड़ रहे थे लेकिन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर मुझे ताकत देना और अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो मैंने उदाहरण पेश करूंगा। और ईश्वर ने जैसे परिणाम मेरे विरोध में भी गया लेकिन मैंने ये तय किया था कि मैं प्रथा ख़त्म कर दूंगा, मैं उदाहरण पेश करूंगा कि लोग जीतने के बाद नहीं आते, हम हारने के बाद आए हैं। और भैया सचिन भैया आप पता करना, हारने के दूसरे दिन मैं क्षेत्र में था, 1 महीने घर नहीं लौटा, कंटिन्यू सबका आभार प्रकट किया। और आप पता करना ऐसा कोई दिन नहीं जाता है मैं यहाँ छतरपुर बस में रहूं कि मैं क्षेत्र में जाऊं नहीं, मेरे नियम में था। 5 साल मैंने यही किया है, 10 बजे से लेकर के मैं 2 बजे तक घर रहता था, घर पर लोगों की समस्याओं को सुनता था, लोगों से मिलता जुलता था, उसके बाद क्षेत्र में जाता था। जो जो बेचारे नहीं आ पाते हैं, जो घर में हैं, जो वृद्ध हैं, जो अक्षम हैं आने में, तो जो भी मुझे पता चलता था किसी के सुख में दुख में शादी में ब्याह में कार्यक्रमों में, इस माध्यम से मैंने 5 साल कंटिन्यू जनता से मिल के एक ऐसो रिश्तों कायम करो है। और ये बात है झुटलाव है कि नेता हमारे जब प्रथा है 20 साल से विधायक जी हैं वे बनाए थे तो मेंटेन करें थे वे, कोई चर्चा ही नहीं करे तो कहे कहे कि दूसरों घूम कोई ने वो बताओ ही नहीं है कि घूमत भी है कोई, तो अपन ने जो सिद्ध करो है कि भैया नेता नेता क्या होता है, नेता के काम क्या होते हैं, यहाँ यहाँ पता ही नहीं होने दिया उनने कि नेता, उनने इतने में वोट लेते थे कि हम हुजूर हैं, हम राजा हैं यहाँ के, तुम यहाँ के गुलाम हो, हमारे लिए तुम वोट करोगे। बेचारे सीधे साधे लोग हैं, वो केवल इतने ही में वोट करते थे कि राजा साहब हैं। अब वो जनता जागी है और मुझे खुशी है, वो आपको परिणाम में देखेगा, मुझे विश्वास है कि बेचारे जिस आस से मेरे पास आते हैं और जिस उनकी आंखों में देखता हूँ कि बेचारे एक भाव रहता है उनके मन में कि कोई तो हमारी सुनने वाला है, आज तक किसी ने नहीं सुनी, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और मैं पूरे मनोयोग से पूरी ताकत से उनकी मदद करता हूँ, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता हूँ। तो अरुण भाई लेकिन ये पूरे के पूरे चुनाव को मुद्दा आपका लेके चल रही है? हमारा भैया मुद्दा अभी बार जनता लेके चल रही, 20 साल जो तरीका से एक व्यक्ति ने समय बर्बाद करो, जनता को जो दोहन करो, जनता से वोट लाओ और केवल एक बहाना रहो कि साजो नहीं करत तो बुरा नहीं करत, अब जनता जाग गई है कि जमानो बदल गो भैया, अच्छो करने के लाने जनप्रतिनिधि चुनो जात आपने। अबे हम नहीं कह रहे भैया, मतलब लोग अब कान लगे कि विधायक जी से कार से फुर्सत नहीं है, विधायक जी अपने आराम से फुर्सत नहीं है, विधायक जी मिलवे से जनता है फुर्सत नहीं है, विधायक जी कहूँ मिलता ही नहीं है। लेकिन आप हम बता दें भैया कि अभी तक विधायक जी
अकेले ही नहीं निकलते, चुनाव के 1 महीना 2 महीने पहले ही निकलते, अब मैं परिवार के निकल रहे हैं। ये जन कहीं ना कहीं डर है, उन्हें लग रहा हो कि भैया अब हम बस से काम नहीं चल रहे यहाँ, अब रानी साहब हम भी संगे लेके चलो तो गारंटी रहे है। जो उन्होंने महिलाओं को डर है ना कि अब महिलाएं नहीं मिल रही कांग्रेस हाँ तो भी लेके जा रहे संगे, लेकिन जनता सब जान चुकी कि अब झूठ बोल के वोट ना दे भी, चुनाव के टाइम पे झूठ बोले आओ जे नारियल धरे आओ, इंसान से तो झूठ आदमी बोल ले, जो हमने पहली बार देखो है भैया सचिन भैया भगवान से झूठी बोल दीजिए, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हो जोन गांव के लोग सुन हैं वे कहें कि सही कह रहे हैं महाराज, और जे कहें तो हम प्रत्यक्ष बता दे भी आप चले जाओ इंटरव्यू ले भी गाँव उनके नाम बताएं, जे नारियल धरे आए ओके आए कि जो काम करा भी लौट के नहीं गए। एक चुनाव में इन 50 मंदिरन में रख दो, एक चुनाव में इन 50 में रख दो, एक चुनाव में सोया सी इनके 20 साल कड़ गए, चूँकि हर गांव में मंदिर हैं और एक गांव में 3-3, 4-4 मंदिर हैं, नगरन में तो 10-10, 20-20, 50 मंदिर हैं। तो ऐसे राजा साहब हैं, जनता जाग गई है कि अब आराम से और केवल राजा शाही में वोट ना दे, जनता जनता काम मांगती है, आराम करने वाले को वोट नहीं करेगी। ये केवल मैंने घूम घूम करके हमारे कार्यकर्ताओं ने सब ने मिल करके मेहनत करके ये जताया है कि भैया हम अब काम का वोट देंगे, हम आराम का वोट नहीं देंगे। आखिरी सवाल कि अब जो है चुनाव टिकट हो गए तो प्रचार की तेजी कब से शुरू? अब चूंकि हर बार कहा तो सचिन भैया के टिकट भाव करत तो 15-20 दिन पहले पार्टी ने जय नई पॉलिसी के तहत जो हमारी हारी भाई सीटें हैं थी, चूँकि उन्हें मौका ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा मेहनत कर लें, पहले से प्रत्याशी घोषित कर दें। अब कहा होगा कि सामने वालों जो है अबे कोई प्रत्याशी पता नहीं है, तो हम तो अपनों काम करे में लगे हैं, पार्टी ने हमें टिकट दी है, पूरे मनोयोग से सब हमारे कार्यकर्ता एक लक्ष्य में लगाओ, कार्यकर्ता हैं भी लक्ष्य में लगाओ, नहीं तो बेबी बेचारे असमंजस में रहते, पार्टी के लाए तो सब काम करने, लेकिन उनके भी एक जिज्ञासा रात कि भैया की हमें मिल रही टिकट का मिल रही, अब एक लक्ष्य है कि भैया तय है कि भैया इनको टिकट मिल गई है, अब किसी को भी मिलती सब मिल के करते, लेकिन अब आदमी सब मिल गए पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी को जिताएंगे। तो जो कि वो है अरविंद पटेरिया को, जिनको उम्मीद है कि ईवीएम जनता जो पिछली बार गलती भाई ईवीएम ना दोहराए और ईवीएम उनको मौका दे। कैमरा मैन नीलेश के संग सचिन चौधरी बुंदेली बोचार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।